बोरीवली पश्चिम में कांग्रेस के जिला सचिव मेहुल गोसालिया ने पर्यूषण के दौरान उपवास कर यात्रा करने वाले 27 जैन संघ के लोगों का बोरीवली में स्वागत किया। इस अवसर पर एक बड़े समारोह का आयोजन कर मेहुल गोसालिया ने मुफ्त छाछ का वितरण किया और 1100 से अधिक लोगों को पानी का बोतल बांटा। आइए सुनते हैं मेहुल गोसालिया ने क्या कुछ कहा। अभी जो जैन संघ हमारे 25 संघ रहते हैं, 25 संघ के बाद हर बार स्वामी वत्सल्य के जो दिन रहता है उस टाइम पे 27 जैन संघ एक साथ पद यात्रा करते हैं, 27 जगह पे घूम घूम के इधर आते हैं। तो आज हम लोग ने सोचा, मैंने और मेरी कांग्रेस पार्टी ने और मेरे फैमिली और मेरे विवान मित्र मंडल के मेंबरों ने, आज हम लोग भी, मैं भी ऐसे भी, मैं जैन हूँ, मैं भी स्थानकवासी जैन हूँ, और मैंने भी और हम लोग ने सबने सोचा कि हम लोग को भी हमारे समाज के लिए और आम पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए हम लोग ने आज छाछ का वितरण रखा और हमारे जैन में एक प्रथा रहती है, जो पैदल आते वो उसको कुछ ना कुछ ऐसा पानी, मीठा पानी या छाछ वो सब पिलाते। हम लोग ने छाछ पिलाई और सबको प्रभावना दी, बोतल के एक बोतल है पानी की बोतल, वो हम लोग ने प्रभावना के रूप में सबको दिया हुआ है। कितने लोगों को इस तरह से बांटा गया आपके तरफ से, खास भावना के तरह से? करीबन 1100 जन पैदल आ रहे थे, पैदल और रथ में, तो 1100 जन को हम लोग ने प्रभावना बांटी और 1100-1200 के आजू बाजू छाछ के गिलास हम लोग ने पिलाए सबको, आम पब्लिक को। जो प्रोड्यूसर का कार्यक्रम चल रहा है, प्रोड्यूसर का भी कितने दिन चलेगा? और पचोसन का कार्यक्रम खत्म हो गया, पचोसन के बाद जो होता है हमारे समूह पारणा और स्वामी वात्सल्य, स्वामी वात्सल्य आज है हमारे 27 जैन संघों का एक साथ 27 जगह पे स्वामी वात्सल्य चल रहा है। उसी दिन के लिए आज वरघोड़ा निकला था, जो तपस्वी लोग ने तपस्या की थी वो सब वरघोड़ा में बैठ के इधर से जा रहे थे जान में, तो हम लोग ने वो सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए हम लोग ने इधर रुकाया और संघ पूजन की। मीडिया के माध्यम में जैन भाइयों को एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं भी आप जैसा एक आम आदमी हूँ, मुझे आप साथ और सपोर्ट दो।